हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये जो है 8th चैप्टर है एज पर CBSE सिलेबस फॉर 2020-21, और इसमें ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस EM वेव। सो व्हाट इज एक्सीलरेटेड चार्ज? सपोज हियर वी अप्लाई AC वोल्टेज एंड इट्स टू एंड दे विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटली। इट मीन्स द चार्जेज विल बी रनिंग एंड दिस इज ए एक्सीलरेटेड सिस्टम। चार्ज विल बी एक्सीलरेटेड एंड दैट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाउ आर द EM वेव प्रोड्यूस्ड? सो द EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सीलरेटेड चार्जेस। ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ यू कैन सी दैट? सपोज at this point there is a positive, suppose this rod is there, or just before we have understood AC we have applied, so this becomes positive and this becomes negative, so it will give electric field in this direction. This is the electric field direction, and then that will change after some time. This electric field will get a direction, opposite direction this way. When this become negative and this become positive, so this is the changing electric field in the space, and that oscillating electric field will produce changing magnetic field. Suppose electric field in this direction, then it will give a magnetic field at the right hand thumb rule in this way. In this way, in this plane, which is perpendicular to the electric field, and this will be the magnetic field. And because this electric field is changing, then this magnetic field will also be changing. And then changing magnetic field will produce electric field by Faraday's law. So what we find here, oscillating charge produce changing electric field in the space, and changing electric field produce oscillating magnetic field, and oscillating magnetic field again produces electric field, and so on. In this way the electromagnetic wave move in the space. The oscillating electric and magnetic fields regenerate, ek dusre ko paida karti hain aur aage badhti rehti hai, propagates through the space. फ्रिक्वेंसी एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो EM वेव की फ्रिक्वेंसी क्या हुई? फ्रिक्वेंसी ऑफ EM वेव, सपोज ये चार्ज पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, सो ये जिस हिसाब से प्लस माइनस बन रहा है उसी हिसाब से ये इस तरह से एक वेव बनेगी। तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ EM वेव, दिस फ्रिक्वेंसी द फ्रिक्वेंसी विच विच दिस चार्ज इज ऑसिलेटिंग इन द सिस्टम, so this is equal to the frequency of oscillating charge. And energy, source of energy उसकी कहाँ से आएगी? source of energy जो charge को oscillate करा रहा होगा, जैसे अगर wave बन रही है charge oscillate कौन कराएगा? जो उसके अंदर battery लगा होगा या पावर सप्लाई लगा होगा या डीजल सेट जनरेटर लगा होगा, उससे सप्लाई होगी तो सर्किट में करंट ऑसिलेट करेगी और इसी से इसकी जो एनर्जी होगी वो रेडिएट होगी, स्पेस में आगे बढ़ेगी। तो अगर ये बंद हो जाए सोर्स, डीजल सेट जनरेटर या बैटरी सेल निकाल लिया जाए, तो ये सर्किट में करंट बंद हो जाएगी, करंट जो ऑसिलेट हो रही है, और इसके वजह से फिर ये आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, प्रसारण बंद हो जाएगा, मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा। सो द एनर्जी ऑफ द EM वेव कम्स फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स विच एक्सेलरेट द
चार्जेज। अब हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें रुडोल्फ हर्ट्ज, वो महान वैज्ञानिक हार्डली 37 ईयर्स तक रहे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जेम्स मैक्सवेल क्लर्क का लिखा हुआ जो थ्योरी था, उन्होंने मैक्सवेल क्लर्क ने ये अपने मैथमेटिकल डेरिवेशन से प्रूफ किया था कि इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी स्पेस में आगे बढ़ सकती है, और उसके बाद वो नहीं रहे। लेकिन उनकी थ्योरी को, उनकी किताब को पढ़ करके हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया 1887 में, और उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया, और उन्होंने ही डेवलप किया, डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इस फिगर में आप देखेंगे ये एक इंडक्शन कॉइल है, इससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब ये S1 S2 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो S है, ये S1 यहाँ पर ये प्लस करेगा और ये माइनस करेगा, और थोड़ी देर में ये माइनस करेगा इस वाले को और ये प्लस कर देगा। तो मतलब कि ये अल्टरनेटली ये प्लस माइनस होता रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे, और बीच में कॉइल लगा हुआ है, तो वो कॉइल भी L और C का कम्बिनेशन बनाती है, तो उसमें एक तरह से ये आसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, आसिलेशन, LC आसिलेशन। तो अब इसमें क्या हुआ कि वेरी हाई वोल्टेज जब S1 S2 के बीच में, S1 S2 के बीच में जब हाई वोल्टेज यहाँ पर हुआ, तो उससे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अगर ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ तो, और उसके बाद ये उल्टा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन में बना, इस प्लेन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर दिशा में, यानी इस प्लेन में, ऐसे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बना, और दोनों आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आए। ये एक मेटल की रिंग है, और इस रिंग के किनारे मेटल के स्फीयर लगे हुए हैं, यहाँ भी स्फीयर लगे हैं, ये मेटल के स्फीयर्स हैं जिनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच में। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना, यहाँ रीच किया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपस में आगे बढ़े स्पेस में, तो इसको प्लस बनाया, इसको माइनस बनाया, और वो हाई डिफरेंस बनाया, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज बना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और जो इसके अंदर की जो हवा है वो आयनाइज हो गई, और आयनाइज हो गई तो आयनाइज होने से प्लस माइनस चार्जेस बन गए एयर के, और वो इसमें क्या कर गए, यहाँ अपोजिट दिशा में मूव कर गए। तो इस प्रकार से इसमें एक करंट बन गई। तो ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया कि करंट यहाँ पर करंट थी, और वो स्पेस के रास्ते चल करके, और यहाँ पर इस रिंग में मेटल स्फीयर के बीच में चमक दिखाई दी, स्पार्क्स होने लगे। जब भी इसको टैप किया जाता था तब तब जो है इस वाले दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाई दिए। तो इस प्रकार से रुडोल्फ हर्ट्ज, इस प्रकार से हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट 1887 में ये बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग स्पेस में प्रोपगेट करा सकते हैं, परंतु अब उसके लिए डिवाइस बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, उसमें कलकत्ता में जो जगदीश चंद्र बोस हैं, उन्होंने बड़ी सफलता पूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में किया, और उन्होंने शॉर्टर वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई, और उनकी जो वेवलेंथ थी वो 25 मिलीमीटर से लेकर के, और 5 मिलीमीटर तक की EM वेव उन्होंने बनाया बोस जी ने लेबोरेटरी में, लेकिन ये व्यापक तौर पर कुछ नहीं हुआ। लेटर गुगलियो मार्कोनी जो इटली के साइंटिस्ट हैं, वो जो है हर्ट्ज के वर्क को आगे बढ़ाए, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करने में, लंबे दूरी तक ट्रांसमिट करने में, किलोमीटर्स तक ट्रांसमिट करने में सफलता पाया, और उसके बाद जो है जो कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था,
उस युग की शुरुआत हो गई। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है अभी बताते हैं। देख लीजिए, अगर इस दिशा में वेव आगे बढ़ रही है और उसके ऑसिलेशन इसके परपेंडिकुलर हैं तो ऐसी वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। तो ईएम वेव कैसी वेव है? ईएम वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। और इसमें क्या ट्रांसवर्स है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। कैसे कि अब इसको देख लीजिए, यहाँ से देखिए कि अगर ये जेड दिशा में जा रही है वेव, इधर जा रही है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट समझिए, इधर जेड के तरफ जा रही है, ये ओरिजिन है यहाँ पर। तो एक्स दिशा के तरफ अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा में है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम ऊपर नीचे समझिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा? देखिए, अगर इसमें करंट जा रही है, देखिए अगर इसमें करंट जा रही है, ऊपर करंट जा रही है, क्या है आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनती हैं वो कैसी बनती है? इसमें बनती है, राइट हैंड थंब रूल से देख लीजिए, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाले में बनता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स दिशा की तरफ तो उसके परपेंडिकुलर यानी इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइनें बनेंगी। तो जो इसमें दिखाया है बी, तो वाई के तरफ बी होगा, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है? दैट इज ट्रांसवर्स वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लास 11th में आप प्रोग्रेसिव वेव पढ़े हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़े थे, तो ये वही है, उसी को यहाँ पर लिखा गया। देख लीजिए, ये जेड दिशा में प्रोपगेशन है तो के एक्स की जगह पर क्या होगा? के जेड होगा। ओमेगा टी समय के साथ फेज का आगे बढ़ना, फेज क्या है? यही इसी को फेज कहते हैं, साइन के आगे जो थीटा है इसी को फेज कहते हैं। और वाई वाई दिशा में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए यहाँ ये ऊपर एक्स है, ई एक्स लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या मैग्नीट्यूड ई जीरो, यानी इसका मैक्सिमम ऊंचाई कितना है? ई जीरो है। तो ये एम्पलीट्यूड ए के जगह पर है, और साइन के एक्स तो क्या था? इधर जा रही थी वेव, तो यहाँ पर दिशा है जेड दिशा है, तो के जेड माइनस ओमेगा टी। तो अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू ई जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये प्लस दिशा में जाने वाली ई एम वेव का इक्वेशन हो गया, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का। और मैग्नेटिक फील्ड ई एक्स है तो ये ई वाई होगा, क्यों? ये भी तो जेड के तरफ ही बढ़ेगा, तो ई एक्स मतलब ई और बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन वो दोनों बढ़ किधर रहे हैं? जेड के तरफ ही बढ़ रहे हैं। बी वाई इज इक्वल टू बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो वो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब प्रॉपर्टीज भी पूछा जाता है कि तो वेलोसिटी जो ई एम वेव की है वैक्यूम में है, यहाँ पर देखिए सी इज इक्वल टू 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू आता है 3×10^10 m, जहाँ म्यू जीरो वही मैग्नेटिक परमियाबिलिटी फ्री स्पेस और ये परमिटिविटी है। तो ये इसकी स्पीड रुडोल्फ हर्ट्ज ने अपने प्रयोगों के अनुसार स्टैंडिंग वेव बना करके और ये सब वेरीफाई किया था कि ईएम वेव का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर ही है। इसके बाद अगर
ईएम वेव किसी मटेरियल मीडियम में जाती है तब क्या होगा? अब ये वहाँ पर म्यू और इप्साइलन में हो जाएगा, तब म्यू क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो इंटू म्यू, ये रिलेटिव रिलेटिव टर्म आ जाता है, रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, और दोनों के बीच में एक जो रिलेशन हम लोग जानते हैं, देखिए वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़े थे साइक्लोटान वाले समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये रेशियो कितना होगा, सी हो जाएगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ बी इज इक्वल टू ई बाई सी जीरो, देख लीजिए ये यहाँ पर सी हो जाएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, बी जीरो इज ई जीरो बाई सी। और अगला जो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एकदम लाइट ही है, तो जितने भी लाइट के प्रॉपर्टी आपको याद हैं वो यही होगा, नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ ईएम वेव। तो पहले जो भी मीडियम में वेव चलती थी सबके लिए मीडियम की आवश्यकता थी, मटेरियल मीडियम की, हवा की आवश्यकता थी साउंड के लिए, या पानी की आवश्यकता थी, पानी पर जो वेव आगे बढ़ती है। इसी समय शुरू के साइंटिस्ट इसी इसलिए माने थे कि पूरा जो ये यूनिवर्स है उसमें एक मीडियम है, और उस मीडियम को हाइपोथेटिकल मीडियम माना गया, और वो हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम ईथर मीडियम कहा गया कि वो ईथर है। और ईथर मीडियम जो है, लेकिन अब बाद में माइकलसन मोरले के प्रयोग द्वारा उसको काट दिया गया, वो डिटेल में जब पढ़ना होगा पढ़िएगा। दूसरा देखिए, ईएम वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, तो ये आगे पढ़ेंगे पोलराइज, ये बस याद रखिए। ईएम वेव ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये तो 10th से ही जानते हैं, लाइट के जो गुण हैं वही ईएम वेव है। ईएम वेव शो इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, ये 12th में पढ़ेंगे। साबुन का जो बबल होता है उसके ऊपर जो कलर फ्रिंजेज बन जाती हैं, और सीडी के ऊपर लाइट पड़ती है तो कलर्स बनते हैं और डिफ्रेक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी और मोमेंटम ईएम वेव में है। देखिए जब ठंडी होती है तो धूप सेकते हैं तो एनर्जी मिलती है, इसका मतलब जो धूप में एनर्जी है और मोमेंटम भी है, वो प्रयोगों के द्वारा देखा गया है कि जब किरणें पड़ती हैं किसी एक बहुत हल्के पहिए पर, चक्र पर, तो वो बहुत वो घूमने लगता है, जो लेबोरेटरी में प्रयोगों द्वारा सिद्ध है। और ईएम वेव एग्जर्ट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। अब ईएम स्पेक्ट्रम हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।